संजय चौधरी जी आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस साल 9 राज्य जीतने हैं, अगले साल पूरा देश जीतना है, लेकिन वो स्थिति है क्या? क्योंकि बसपा भी तमाम मसले उठा रही है, सपा भी तमाम मसले उठा रही है, कांग्रेस भी मसले उठा रहे हैं, एक साथ पूरा विपक्ष आपके खिलाफ है। देखिए, हम अपने पिछले साल की प्राप्त जीत के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। उन राज्यों में जहां सरकारें हर 5 साल के बाद बदल जाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तरांचल शामिल है, हमने जीत के साथ असंभव को संभव करके दिखाया है। गुजरात में जो जीत का सबसे बड़ा मापदंड था, हमने स्थापित किया है। तो ऐसे राज्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने कीर्तिमानों को और बड़े कीर्तिमानों में परिवर्तित। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। करती रही है, हमने देखा है कि कैसे जब हमने 2014 में लक्ष्य निर्धारित किया था कि 273 सीट लाएंगे तो हम 273 सीट से आगे बढ़े। उसके बाद 2019 के चुनाव में हमने 300 के लक्ष्य को प्राप्त किया है, उससे बड़ी जीत हासिल की है। उसी तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि इस वर्ष होने वाले किसी भी विधानसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस बात की राष्ट्रीय कार्यसमिति का जो मंत्र है कि गरीबों का कल्याण हमारा संकल्प है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप लोग तैयार है। देखिए, अभिषेक राय जी, विजन क्लियर है भाजपा का कि 9 हमें जीतने हैं विधानसभा चुनाव, सारे 100% स्कोर कार्ड होगा 2023 में और देश को जीतना है 2024 में। अभिषेक जी, सपा की रणनीति क्या है? क्योंकि निश्चित तौर से जो जीत का सिलसिला भाजपा को मिला है, कॉन्फिडेंस उससे बढ़ ही जाता है। देखिए अवधेश जी, अगर आप 22 का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स देखें तो उसमें अगर लोकसभा से उसे कंपैरिजन करेंगे तो समाजवादी पार्टी करीब 24 से 29 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सिर्फ 4% का वोट स्विंग और हो गया होता तो आज हम सत्ता में होते और हम 347 सीटों पर लड़के करीब 33% वोट हमने पाए थे। तो ये बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है और हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ये तो वादा करके आए थे कि महंगाई को कम कर देंगे, रुपया आईसीयू में था जब 61 रुपया होता था, 81 रुपए में आज रुपया आईसीयू में नहीं है क्या? और ये महंगाई पे ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है सिलेंडर के दाम, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम इस समय सबसे कम है, $76 प्रति बैरल, जनता को क्यों नहीं रिबेट मिल रही है? बेरोजगारी की बात करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से कहते थे 2 करोड़। लेकिन जो बात अभिषेक जी आप कह रहे हैं ये बात बहुत अच्छी है, इसी पे बात होनी चाहिए, लेकिन आपके नेता या फिर कोई भी सियासी मंच जब तैयार होता है तो वहां तो आप लोग ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, फिर ये मुद्दे कहां रहे? फिर तो जाति का जय जयकार शुरू होती है। नहीं नहीं, देखिए मैं महादेश जी, जाति का नहीं, देखिए जो पिछड़ों का भी अधिकार छीना गया, आपने देखा हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, उसके बाद भाजपा तो कह रही है आपके नेता के भाई थे उन्होंने रुकवा दिया, वरना तो सब चुनाव लड़ ही रहे थे। मेरी एक बात बताइए ना, कि गलत हुआ ना, आखिर ओबीसी कमीशन उन्होंने दोबारा क्यों सेट किया, क्यों सरकार ने हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में? अगर सरकार सही थी तो उनको समझना चाहिए था, इनके नागर विकास मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने नहीं दिया, नगर निगम के चुनाव होने नहीं दिए। भाई गलती सरकार की है, 9 महीने से लोग क्या कर रहे थे, क्यों इन्होंने ये तमाम चीजें हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।